नए साल की शुरुआत हार को कपा देने वाली ठंड से हुई है। सोमवार को सुबह 6 बजे के आसपास पंजाब, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा से लेकर दक्षिणी उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र घने कोहरे की चपेट में नजर आए, लेकिन दिन निकलने के साथ धीरे धीरे कोहरा कुछ कम हुआ तो बर्फीली हवाओं के चलते पूरा आधा भारत शीतलहर की चपेट में आ गया। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर स्थानों में पहले से ही शून्य से नीचे चल रहा पारा और गिर गया है। पंजाब और हरियाणा के कई क्षेत्र भी पारा -10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने सोमवार को बताया कि जनवरी में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के ज्यादातर क्षेत्र में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहने का अनुमान है। उत्तर भारत के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है, लेकिन इसके अलावा देश के ज्यादातर हिस्से में इसके सामान्य से ऊपर ही रहने का अनुमान है।